राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्रेस वार्ता आयोजित प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने कहा कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स महीनों से अपनी नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने अच्छा काम किया है। संजीव झा ने यह भी कहा है कि दिल्ली विधानसभा की पिछली बैठक हुआ था कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नियुक्त किया जाए। हमें लगा कि जब ये प्रस्ताव यहाँ से पास करके उपराज्यपाल जी के पास भेजा जाएगा जो उन पर मार्शल की सिविल डिफेंस मार्शल की तुरंत प्रभाव से नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन यह प्रस्ताव अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज का जो हम सब लोग अब वार्ता कर रहे हैं, जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर महीनों से अपनी जो मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हैं, इसकी चर्चा और चिंता कई बार हम सब लोग जाहिर कर चुके हैं। 11/5/2015 को एक मीटिंग हुई जिसमें ऑनरेबल कहा था कि बस मार्शल की डिप्लोमेंट होनी चाहिए। पहले ये तय किया गया था कि इसमें होम गार्ड बस मार्शल के तौर पर रहेगा, लेकिन लगातार मीटिंग के बाद जब होम गार्ड की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी तो बाद में ये तय किया गया कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। तो बसों में लगातार जिस तरह से बस में लोग चढ़ते थे जो अपने आप को अनसेफ फील करते थे, जो महिलाएं बस में चढ़ती थी अपने आप को सेफ फील नहीं करती, कई सारे ऐसे उदाहरण भी हुए जहां बस डिफेंस वॉलंटियर ने काबिले तारीफ काम की। इस मातहत फिर दिल्ली विधानसभा में एक रेजोल्यूशन लाया गया। ये रेजोल्यूशन 29 फरवरी को लाया गया और उस 29 फरवरी के रेजोल्यूशन दिल्ली विधानसभा के सदस्य जो चीफ व्हिप हुए हैं दिलीप कुमार पांडे जी, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को लाया था जिसमें ये तय किया गया, ये अननिमसली मूव किया गया कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर बस मार्शल के तौर पे जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी नियुक्ति को कंटिन्यू किया जाए। और इसकी चिट्ठी जो रेजोल्यूशन है इसको फिर एलजी साहब को भेज दिया गया, लेकिन आज तक बड़ा दुर्भाग्य है कि बस मार्शल आज भी अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है। दिल्ली सरकार के आदेश के बावजूद